أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عدائه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي الصدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفكه قولي اللهم عجل لوليك الفرج Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله. Thank you very much for joining.

और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उनकी तारीफ की है और इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह जो है उनसे खुश है अल्लाह जो है जनाब मोहम्मद बिन सीनान से राजी है क्योंकि उन्होंने जो है हमसे मोहब्बत की है और उन्होंने न इमाम की और न इमाम के वालिद इमाम अली रजा की मुखालिफत की है यानी कि यह स्टेटमेंट जो इमाम तकी जवाद अल्लाम का है लमा फरमाते हैं यह बताता है कि कुछ लोगों को जनाब मोहम्मद बिन सीनान के अकायद पर शक था इसीलिए जनाब मोहम्मद तक इमाम मोहम्मद तकी जवाद ने जनाब मोहम्मद बिन सीनान के बारे में यह कह कहकर बता दिया कि वो जनाब मोहम्मद बिन सीनान उनके चाहने वालों में से उनके शियों में से हैं और उनकी जो है बायोग्राफी में ये मैंशन है जनाब मोहम्मद बिन सीनान की जो है आईसाइट चली गई थी ही गॉट ब्लाइंड तो उन्होंने इमाम मोहम्मद तक की अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे कहा कि उनकी मदद कीजिए इमाम ने जो है उनकी आंखों पर हाथ फेरा और जो है उनकी आंखें वापस आ गई इसीलिए इमाम अल्लाम के ट्रस्ट के साथ साथ ये जो मोजा उनके साथ हुआ ये सफिशियंट है ये क्लियर है उनकी ग्रेटनेस उनकी अजमत और उनकी वफादारी के लिए ये हमें यह भी बताता है कि जब हम इमाम के लिए कुछ करते हैं उनके चाहने वाले होते हैं और उनसे मदद मांगते हैं तो इमाम भी कभी अपने चाहने वालों की मदद से पीछे नहीं हटते इसीलिए जब भी हम भी हमारी प्रॉब्लम में है अपने जमाने के इमाम से हेल्प मांगे इन इमाम जमान हमारी मदद को आएंगे जो दूसरे सहाबी कराम है जनाब फजल इबन शाहजान इनके बारे में है कि ये जो है आठवें इमाम के असहाब में से थे कुछ ने इनको नवे इमाम के असहाब में भी गिना है जनाब फजल इबन शाहजहानरहमा के बारे में है कि इन्होंने 180 बुक्स लिखी है अहिलम और दीन इस्लाम के बारे में और ये बहुत ही रिलायबल बहुत ही जो है ट्रस्ट वर्दी यानी कि बहुत जो है एकदम इमाम के क्लोज तो एकदम भरोसेमंद थे जनाब फजल इब्ने शाजान के बारे में इमाम हसन अस्करी ने अच्छी बातें कही और उन पर जो है रहमत की दुआ की है जनाब फजल इब्ने शाजान ने अपनी जिंदगी जनाब मोहम्मद इब्ने अभी उमर और सफवान इबन याहिया जैसे इमाम के अहाबों के साथ गुजारी थी जो अहदीस के माहिर थे मतलब जिनके पास खजाना था इंशाल्लाह उनकी स्टोरीज भी हम आगे के दिनों में देखेंगे इसीलिए इन बड़े असहाब के जाने के बाद जनाब फजल इबन शाहजान बिकेम द सेंटर पॉइंट वो जो है बहुत सी अहदीसों के रेफरेंस बन गए लोग उनसे पूछते थे कि ये हदीस जो हमने सुनी है सही है या नहीं या वो लोगों को कई अहदीस अम मासूमी नलम की बताते थे जनाब फजल इबन शाहजान के बारे में ये भी है कि उन्होंने उस जमाने में आठवें नवे इमाम के जमाने में उन्होंने हमारे जमाने के इमाम खुदा इमाम जमान की ताला शरीफ की के ऊपर किताब लिखी थी कुछ उसे किताब अल ग़ैबा का नाम भी देते हैं तो आज के इन दो अब कराम की स्टोरीज हमने कंप्लीट की इन कल फिर मुलाकात करेंगे दो नए असहाब की स्टोरीज के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जजाकल्लामी بر محمد و محمد السلفاد اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم